Assalamualaikum, welcome back. Assalamualaikum guys. सवेद आज हमारा आखिरी दिन है हमारे कॉलेज को जाएंगे इस दुनिया से. इस दुनिया से दिखा दो ऊपर की दुनिया दिखा दो अवेलेबल ये वाली दुनिया की बात है. इस कैद से हम बाहर हो जाएंगे और हमारी जीने की तरह आ जाएंगे. हम कमाने लग जाएंगे इंशाल्लाह. जो आपकी सुकून भरे जिंदगी की दिन वो खत्म हो जाएंगे. हाँ यार इधर वाले ताने मारेंगे जो लगाया है वो निकाल दो. हालत खराब है. आज है हम लोगों का लास्ट एग्जाम जो कि है रिसर्च मेथडोलॉजी का. और आज के बाद हमारी जो कॉलेज लाइफ है वो खत्म. इसके बाद क्या करोगे भाई? इसके बाद पहले सब्जी की मंडी मोमोस. मोमोस दिल्ली वाले है ना मोमोस. नहीं नहीं फिर हम डालेंगे फिजियोथेरेपी मोमोस वाले बीपीटी मोमोस वाले वर्ल्ड फेमस इन दिल्ली. पार्टनरशिप करेंगे साथ में लगाएंगे. मुंबई की पार्टनरशिप मैं मोमोस निकालूँ तो मैं आवाज़ लगाऊंगा. हो गया भाई. क्यों भाई क्वेश्चन इतने पूछ रहा हूँ? 8 से 10 क्वेश्चन पूछ रहा है. कोई बात नहीं भाई हो जाएगा. इसका डर लग रहा है कि बस लंच ना हो जाए. लंच से पहले हम लोगों की रिसर्च निपट जाए तो बस जिंदगी का सुकून मिलेगा. चैंस रोके कर जाएगी. सॉरी बिरयानी अच्छी बिरयानी चलेगी. अगर नहीं हो जाता तो फिर बिरयानी से कुछ और भी चलता. बिरयानी जिस चीज़ का डर था यार हम लोगों के साथ वही हुआ. लंच हो गया. अब हम लोगों की रिसर्च का जो प्रेजेंटेशन है वो लंच के बाद होगी. और सबसे ज़्यादा दुखदाई बात यह है कि सबसे पहले मेरा ही होगा. शिट यार. स्क्रिबल डे मनाया जा रहा है यहाँ पे सब के सब क्योंकि वहाँ पे हमारे दोस्त सर बैठे हैं. जानवर यहाँ पे स्क्रिबल. ये मतलब अलग से टी शर्ट लाई गई है. यहाँ पे बच्चे अलग से लिख रहे हैं. कब से कब बोला क्या लिखना है? जल्दी दो यहाँ रखो. ये लो दिखाना मत किसी. अस्सलामुअलैकुम गाइस. आज हमारा हलाल स्क्रिबलिंग डे हो रहा है. स्क्रिबलिंग डे एक्चुअली हलाल ही होता है. फतवे जारी कर देते हैं लोग कि हराम होता है. अगर आप बेंच पर रख के उसको लिख रहे हैं तो वो हलाल है. बस कुछ लोग अपना कोर्ट ना बर्बाद करते हुए डायरी पे लिखवा रहे हैं. एक दूसरे को पकड़ पकड़ के बोल रहे हैं मेरे पे भी लिख दे. वो भी हो रहा है कि भाई लास्ट है. अच्छा रोने वाला कौन है इसमें से? नसरीन. आई बैक टू से दैट लिख दीजिए. भर डाला पूरा का पूरा. भाई देखो खत्म हो गए. एग्जाम वगैरह खत्म हो गए जी. और तफरी पेल ली. आज दलील भी हो गए. और आज दलील भी कर दिए. तो अभी ये ब्लॉग जो है ना 10 साल बाद या 15 साल बाद अगर मुझे व्हाट्सएप करते हो तो देख लूंगा. वरना तो भाई दब जाएगा. क्या होगा? ये तो ट्रोल हो गया भाई. ओह माय गॉड इतना सारा लिखा हुआ भाई साहब. टीचर से लिखा है? ओ तुम लोग टीचर से लिखवा के लेकर आए हो? नाइस यार. लाओ 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 लाओ. क्या भाई क्या डायग्राम वगैरह बनाने का यार? ये मसल बना दी क्या तुमने? भाई आपने लिखा नहीं यार. लिखो साहब. भाई बस खत्म. दोबारा मिलेंगे. सभी लोग स्क्रिबलिंग डे मना रहे हैं. मेरे पे लिख रहा है. इसके पे कोई और लिख रहा है. उसके पे कोई और लिख रहा है. नाम ही काफी है भाई. जूनियर सर आप सर भाई सर भाई का नाम काफी ब्लॉगर. आर्ट
आर्टिस्ट। ये एक एक लगा के ना बस एक एक फोटो खिंचा लो, इसको लगाओ। अस्सलाम वालेकुम भाई। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं अपने दोस्त फैज़ भाई के घर। गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं अपने सैफ भाई के घर पे और फैज़ भाई के घर पे। बेसिकली इस फ्लैट से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। तो मीट माय फ्रेंड सैफ एंड फैज़, दे बोथ आर ट्विन। मेरा एक दोस्त है जानवा जिसने मेरी बहुत मदद की हमारे एग्जामों में, वो भी यादें हैं और जो है बहुत सारी यादें हैं। इस फ्लैट से हमारी बहुत सारी यादें, बहुत सारी यादें हैं हमारी, बहुत सारी यादें थी। खैर यहाँ बिस्तर पे सारे हम लोग एकदम मस्त होके सोते थे रात में और ग्रुप स्टडी करते थे। जितने भी हमारे एग्जाम वगैरह हैं सारे के सारे हम लोगों ने यहीं पे बिताए हैं। मतलब ग्रुप स्टडी तो खैर हमारी यहीं पे होती थी और जो कॉलेज लाइफ का एक मेन अहम रोल होता था ना वो इस फ्लैट ने अदा किया है हमारी लाइफ का। तो खैर इसका छोटा सा इसका छोटा सा हम आपको एक वो देंगे क्या रूम टूर, होम टूर एक छोटा सा। खैर अभी हमारा यहाँ पे हो चुका है टाइम चाय का, मैं ब्लॉक के चक्कर में चाय अपनी पी नहीं पाया, बाकी ये लोग सब पी चुके हैं और ये हमारा बहुत ही ज़्यादा क्या है पापल क्या बोलते हैं पापे। तो ये बेसिकली जब भी हमें एग्जाम टाइम में भूख रहते थे कुछ नहीं होता खाने हम पापे तो बेसिकली ये रस्क है जिसको ये पापे बोलता है और इसको हम पापे के नाम से बहुत चिढ़ाते हैं। सो गाइस बैक टू घर, क्योंकि यार मम्मी फोन कर रही है, बोल मम्मी बोल रही आज इतना टाइम कैसे लग गया। तो यार भाई लाओ बेटा भाई के साथ थोड़ा सा वक्त बिताना था सर। भाई कॉलेज लाइफ खत्म हो गई, कॉलेज लाइफ खत्म हो गई बट अभी फ्यूचर में बहुत सारी चीजें बाकी हैं, क्या करने वाले हैं अभी कुछ नहीं बताओ, हम आराम करेंगे अपनी क्लियर क्वेश्चन पूरे करेंगे। मैंने सेम चीज़ अपने एक फ्रेंड से पूछी थी तो उसने बोला मैं लगाऊंगा फिजियोथेरेपिस्ट मोमोस वाला। डॉक्टर मोमो अच्छा नाम है। So guys, this message is for all of my classmates. So miss you all. इतनी तेज। लूसी बहुत तेज इस टाइम पे खेलने के मूड में। बेला बेला लूसी Expose, Lucy. So, खैर गाइस जिंदगी और जिंदगी रही तो इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। सो खैर भाई बहुत बड़ी चीज़ होती है कॉलेज का एंड कर जाना। कॉलेज का एंड मतलब कि अब जिंदगी के एल लगने वाले हैं, अब जो है वो जिंदगी की असली रेस स्टार्ट होगी। अल्लाह बस एक लास्ट चीज़ आपको ये दिखानी थी। माशाल्लाह यार, मतलब कभी मैं अगर 10 साल या 15 साल मतलब कभी और अगर मैं इसको फ्यूचर में देखूंगा तो माशाल्लाह कितनी सारी मेमोरीज इस सिर्फ इस एक एप्रिन के साथ जुड़ी हैं। यहाँ पे ये मेरा मेन एप्रिन था आसिफ सद्दी की, ये सारी की सारी चीज़ें में लिखी हुई हैं ये यहाँ पे, ये ऑल द बेस्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब आसिफ स्नैपचैट सिखाई वाली प्यारी सुंदर लड़की, यहाँ पे भी कुछ लिखा है आसिफ अल्लाह पाक बहुत कामयाबी दे, ये लिखा है यहाँ पे आगे वाली रोल नंबर जो कभी कुछ नहीं बताते थे ऐसा कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे साइड में लिखा है ऑल द बेस्ट मीट अगेन ऐसा कुछ, और यहाँ पीछे की तरफ भी और यहाँ पे भी इतना सारा लिखा हुआ है। मैं जैसे इन सब चीज़ों को कैप्चर कर रहा हूँ कि मैं अपने व्लॉग में ये सब चीज़ें आगे फ्यूचर में कभी देख सकूँ। ये यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा है, ये हमारा बैक साइड सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा है मिस यू आसिफ, और यहाँ पे सारी चीज़ें जस्ट भाई बस मेमोरीज़ को कैप्चर कर लो और एक जगह समेट के रख लो। ये यहाँ पे यूट्यूबर दोबारा लिखा हुआ है आओ कभी मेरे इंटरव्यू लेने ये ऋतिक ने लिखा है, यहाँ पे लिखा है फारूक ने बीएसए में जुनैद सराज भी इंतज़ार कर रहे हैं, इसके पीछे बहुत लंबी स्टोरी है।
यहाँ पे लिखा है आसिफ मेरी फर्नेंडेंस पता है, यहाँ पे लिखा है आसिफ भाई बात कम हुई है लेकिन जब भी हुई आई फील कंफर्ट रिस्पेक्ट सोन ऐसा कुछ। सो दैट्स ऑल, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ठीक है ओके, लूसी ने बोल दिया बाय।